नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किचन हेल्पर्स के बारे में। और किचन हेल्पर अगर कोई भी ज्वाइन कर रहा है, उनको इस 5 पॉइंट का जरूर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो जिंदगी में हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। जब भी अगर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने किचन के अंदर, और हम किसी भी प्रकार से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हमारे पास किसी भी प्रकार का डिग्री डिप्लोमा नहीं होता है, बट एक्चुअली में होना चाहिए, तो हम लोग जो शुरुआत करते हैं अपने किचन हेल्पर से करते हैं। और यहाँ पे जो भी किचन हेल्पर ज्वाइन करता है, उसको लगता है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी खाना बनाना आ जाए, जल्दी से जल्दी कटिंग करना आ जाए, तो मैं कुक बन जाऊंगा या मैं कॉमीथ्री बन जाऊंगा। क्योंकि किचन हेल्पर के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होती है वो आपकी कॉमीथ्री ही होती है। बट यहाँ पे हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर मैंने कहीं पे किचन हेल्पर ज्वाइन किया है, तो आगे जाके मुझे कौन से सेक्शन को चुनना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि किचन के अंदर अलग अलग सेक्शन हैं। आप लोगों को यहाँ पे पहले ही समझना होगा कि भाई मुझे कहाँ पे जाना है। काउंटी में मुझे जाना है, इंडियन में मुझे जाना है, चाइनीज में मुझे जाना है, तंदूर में मुझे जाना है, कहाँ पे मुझे जाना है, ये पहले आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करना होगा। यहाँ पे मैं आपको 5 पॉइंटर बताने वाला हूँ, जो कि आपको अच्छे से समझने हैं और अप्लाई करना है अगर आप कहीं पे एज ए किचन हेल्पर काम कर रहे हो। दूसरा, आप लोग चाहें किचन हेल्पर के अंदर अपनी और भी स्टडी कर सकते हैं। हमारी एक ऐप है IHM गुरुकुल, जिसमें हमारे जो सुपर हीरो किचन हेल्पर का कोर्स है, उसे आप इनरोल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप मिलेगा। बाकी जो कोर्स का लिंक है, ऐप का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहला यहाँ पे है आपके कुकिंग मेथड। किचन हेल्पर को ध्यान रखना है कुकिंग मेथड। अब जो कुकिंग मेथड सबके अलग अलग होते हैं, इंडियन में अगर आप जाएंगे तो आपको तलना भुनना, ठीक है जी, ये आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कॉन्टी में जाते हैं तो आपको बॉइलिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टूइंग, ये आनी चाहिए। तीसरा, अगर आप चाइनीज में जा रहे हैं, आपको सौते करना आना चाहिए, डीप फ्राई करना आपको आना चाहिए, ठीक है, उनकी अपनी अलग परिभाषाएं होती हैं। आप तंदूर में जा रहे हैं तो तंदूर की अपनी अलग परिभाषाएं होती हैं, जो वहाँ पे काम होता है, जो जिसको कि हम लोग बेसिक कुकिंग मेथड हम लोग बोलते हैं। तो उन चीज़ों को आपको समझना होगा और प्रॉपरली आपको एक फाइल वहाँ पे बना के रख लेनी है। दूसरा, आप लोगों को सीखना होगा बेसिक वेजिटेबल के कट्स, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मैं हेल्पर हूँ तो मेरा काम सिर्फ सामान उठाना या जो बोल दिया है मुझे वो करना है। इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो आपको बेसिक कट सीखने हैं। जैसे अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ, ठीक है, तो हमारी जूलियंस होती हैं, ब्रुनवास होती हैं, चॉप हमारे होते हैं, या मैं इंडियन की बात करूँ, जाल फ्रेजी की मेरी कटिंग होती है, चिकन टिक्का की मेरी अलग कटिंग होती है, या कॉन्टी की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे जो चिकन के कट्स होते हैं, हमारे ड्रम स्टिक्स होते हैं, हमारे फिश के फिले होते हैं, तो अलग अलग चीज़ों के, चाहे वो सब्जी हो, चिकन हो, फिश हो, उनकी चीज़ें आपको सीखनी है। तंदूर में है तो आप सीखिए कि भाई एक टिक्के का जो पोर्शन होता है कितना होता है, एक टिक्का कितने का होता है, एक तंदूरी चिकन कैसे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखनी है। तीसरा, आप लोगों को सीखना है यहाँ पे फूड सेफ्टी के बारे में, आपको डेंजर जोन के बारे में सीखना है। आप लोगों को ये सीखना है कि हम अपने खाने को कैसे सुरक्षित रख पाएं। आपको वेजिटेबल रिसीविंग सीखनी है, कैसे खाने को स्टोर करना है, आपको ये सीखना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किचन हेल्पर का काम। चौथा पॉइंट आता है आपके इंग्रेडिएंट्स का। आपको अपने इंग्रेडिएंट्स को जानना है। अगर आप इंडियन में हैं तो सारे मसाले के नाम आपको हिंदी इंग्लिश में आने चाहिए, क्या काम वो मसाले करते हैं वो आपको आने चाहिए। काउंटी में है तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग प्रकार के पेपर्स होते हैं, कैजन स्पाइसेस होते हैं, सॉल्ट पेपर होता है, ठीक है, अलग अलग सॉस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। चाइनीज़ में है आपकी लाइट सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। तंदूर में आपके हैं, ठीक है, आपकी देगी मिर्च है, जैसे कि आप लोग मैरिनेशन कर रहे हैं, सरसों का तेल है, ठीक है, क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जो बेसिक इंग्रेडिएंट का आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पांचवा, लास्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपकी कंपनी की पॉलिसी का। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, कहीं पे भी हो, आपको कंपनी की पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए। और कंपनी की पॉलिसी के अंदर सबसे पहले आती है आपकी ग्रूमिंग की पॉलिसी। ग्रूमिंग का मतलब है आप खुद कैसे रहते हैं, आपको प्रॉपर शेव करना है, हेयर नेट लगाना है, ग्लव्स पहनना है, वर्दी पहनी है, ठीक है, आप लोगों को किसी प्रकार की ज्वेलरी नहीं पहनी, क्योंकि ये चीज़ें किचन हेल्पर सोचता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ हेल्पर हूँ, बट आपको ही सीखनी है, क्योंकि किचन की शुरुआत यहाँ पे आपसे ही हो रही है। इसके बाद आपको कंपनी की जो स्मोकिंग पॉलिसी होती है वो आपको समझनी है, ठीक है, आपकी हैरेसमेंट की पॉलिसी होती है, अगर आपके साथ कोई लड़की काम कर रही है या जो कुलीग काम कर रहे हैं, कहीं आपको हैरेस तो नहीं करें, क्योंकि किचन के अंदर जो हेल्पर होता है उनको गालियाँ दी जाती है, बुरा भला किए जाते हैं, बट कंपनी के अंदर पॉलिसीज होती है, वो भी आपको वहाँ पे समझना होता है। तो यही सारे आपके जो पॉइंट्स थे, मेनली जो 5 पॉइंट थे, आपको समझने हैं अगर आप एज ए किचन हेल्पर कहीं पे काम करें। बाकी जो हमारा कोर्स है आप इनरोल कर सकते हैं और किचन हेल्पर के तौर पे अपने आप को वहाँ पे आप काबिल बना सकते हैं, और उसके बाद अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे पैदा कर सकते हैं। बाकी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियोस को लाइक कर देना है, दूसरों के साथ शेयर कर देना है, और कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।
जय हिंद।